फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज महाशिवरात्रि के पर्व पर मंदिरों और शिवालयों में भक्तों का भीड़ का सैलाब दिखाई दिया। बता दें, ब्रह्म मुहूर्त से सुबह 4 बजे से ही प्राचीन श्री मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़ दिखाई दी और लाइन लगी दिखाई दी, और सुबह से ही लोग बाबा के दर्शन के लिए लाइन की लंबी कतार में खड़े दिखाई दिए और पूजा अर्चना के लिए यहाँ लोग प्रसाद खरीदते दिखाई दिए। बता दें, महाशिवरात्रि के स्नान पर सबसे ज्यादा मनकामेश्वर मंदिर में भीड़ होती, क्योंकि त्रेता युग में भगवान श्री राम जब वनवास पर जा रहे थे तो यहीं पर उन्होंने भगवान शिव की जहाँ जल अभिषेक किया था। तब से प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर में हर सोमवार को जहाँ भीड़ तो लगती ही है, मगर महाशिवरात्रि के स्नान पर के साथ साथ जहाँ आज लोग संगम पर स्नान करने के बाद मंदिर पहुंच रहे हैं और साथ ही भोले बाबा के दर्शन कर रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। और क्या कुछ कहना है दयानंद महाराज जी का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं। आज लोग मंदिर में सुबह से ही आ रहे हैं, पूजा अर्चना करो, क्या कहना? आप जिस स्थान पे हैं, श्री श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर है। भगवान काम को भस्म करके यहाँ विराजमान हो गए थे। इनका प्राणों में जो उल्लेख आता है वो कामेश्वर तीर्थ के रूप में मिलता है। त्रेता में भगवान राम ने जब संगम क्षेत्र में आए थे तो उन्होंने भी यहाँ पर जलाभिषेक किया था सीता जी के साथ। तभी से भगवान मनोकामेश्वर के रूप में यहाँ विद्यमान है। जो भी सच्ची श्रद्धा से श्रद्धालु इनका जलाभिषेक करता है उसकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। जहाँ तक आज शिवरात्रि का जो दिन है, आज शिवरात्रि के साथ साथ प्रदोष भी साथ में है, तो दुर्लभ संयोग है और शिव योग में शिवरात्रि मनाई जा रही है। तो जो भी श्रद्धालु आज जिन शिवालयों में पूजन अर्चन कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मंदिर में आके एकदम सुकून मिल रहा है। शिवरात्रि के पर्व पे हमें इतना बड़ा मौका मिला है कि हम शिवरात्रि मनकामेश्वर आके दर्शन करें। धन्यवाद। लाइन में लगे हैं सुबह से और दिन भर बढ़ता ही जा रहा है, जल्दी से सिलेक्शन हो जाए। नारी के बगैर मनुष्य का अस्तित्व नहीं, नारी है तो घर आंगन खुशहाल है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नाज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व बिरला IVF के सौजन्य से करैली के नाज हॉस्पिटल में जहां नारी शक्ति को पुरस्कार से समाज में बेहतर कार्य कर उत्कृष्ट कार्य करने वाली समाज सेविकाएं, शिक्षा व डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया। वहीं नॉर्मल डिलीवरी की विशेषता रखने वाली डॉक्टर नाज फातिमा ने महिलाओं को मोटिवेशन करते हुए उनका उत्साह बढ़ाया। गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर तबस्सुम नकवी ने महिलाओं के जननांगों और उनके होने वाले परिवर्तन के साथ जरूरी टिप्स दिए। समाज सेविका असरा नवाज के संचालन में जूही सेवा संस्थान की जूही श्रीवास्तव, वरिष्ठ सेविका अनुराधा अधिवक्ता व समाज सेविका रजिया सुल्तान व भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताएँ व कई समाज सेवी महिलाएँ यहाँ उपस्थित रहीं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मानित किया गया। लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में जहां हिस्सा लिया तो महिलाओं को पुष्प गुच्छ देकर डॉक्टर नाज फातिमा ने सम्मानित किया और शाल उड़ाया। आस्था के सबसे बड़े पर्व महाशिवरात्रि पर जहां शिव बरात लोकनाथ से परंपरागत तरीके से 31वें साल भी निकली और ऐसे में विवाह उत्सव में भूत पिशाच साक्षी बने दिखाई दिए, तो भूत पिशाच शिव बरात में नाचते गाते दिखाई दिए। झांकियां निकाली गईं तो बारजे से सड़कों पर लोग अपने झांकते दिखाई दिए और शिव बरात देखते के लिए लोगों की भीड़ हुजूम सड़कों पर उतरा। लोकनाथ पर सड़कों पर लोग गाते नाचते दिखाई दिए शिव बरात में, तो ऐसे एक भव्य नज़ारा था। और यहाँ शिव बरात में आए लोगों का क्या कुछ कहना था, आइए दिखाते हैं। यह प्रयागराज की प्राचीन शिव बरात है जो लोकनाथ मिलन संघ के द्वारा निकाली जाती है, और शिव बरात में लाइट बाजा ढोल राक्षस जानवर दुर्गा देवी भोले शंकर कंकाल भूत पिशाच संसार के सभी नर नारी 86 करोड़ देवी देवता आज के दिन लोकनाथ की शिव बरात में चलते हैं। और जिस तरह पार्टी के आधार में और जिस तरह का हमारा जो
अच्छी तरह से गोरी माँ बारात निकलती है। इस बार की बारात में क्या माता पार्वती गोरी माँ को सजाने जाती है, बहुत रूप बनाई जाती है, फिर शाम को लोग प्रयाग ग्रहण करते हैं और बहुत ही श्रद्धा से बारात निकाली जाती है। कितने वर्षों से निकाली जा रही है बारात? इसे 30वां वर्ष इस बार का और हमारे यहाँ लोगों का जाने का कार्यक्रम भी होगा। इसके बाद शाम को 8:30 बजे परिचय दे दीजिए अपना परिचय दे। महाशिवरात्रि के इस स्नान पर्व पर जहां श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी है, बता दें संगम तट पर माघ मेले के अंतिम स्नान पर महाशिवरात्रि पर लोग आस्था की डुबकी लगाते दिखाई दिए, तो साथ ही स्नान करने के बाद वे सीधा शिवालयों की ओर रुक करके जाते दिखाई दिए। आज के दिन जहां भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है और साथ ही ऐसे में अच्छे वर की प्राप्ति होती है और माघ मेले में आज ये अंतिम स्नान पर लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और क्या कुछ कहा है आइए दिखाते हैं। संगम में हमें बहुत ही आनंद आता है स्नान, ये आज लास्ट पर्व है, ये शिवरात्रि का दिन है, महा भोलेनाथ की कृपा से हम संगम नगरी में बहुत दूर से फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, यहाँ स्नान करके हमें बहुत ही सुंदर और स्वच्छ समझ में आ रहा है कि यहाँ बहुत दूर से आए हुए प्रार्थीगण बहुत दूर से आते हैं एमपी, और हमने आज भोलेनाथ से स्नान करके भोलेनाथ से दुआएं मांगे हैं कि हमारे घर परिवार और हमें बहुत ही बच्चों और माता पिता का बहुत ही सारा वो बहुत ही शुभ और आशीर्वाद प्राप्त हो। एक्चुअली साधु संत हमेशा ही ये कामना करते हैं कि सब जितने भी श्रद्धालु इस समय स्नान कर रहे हैं उन सबका कल्याण हो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, और माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था देखकर योगी स्वामी जी की उन्हें धन्यवाद देने का बहुत ज़्यादा साधुवाद देने का इच्छा हुई, उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी है और सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण हो इस शाही स्नान के अवसर पर, यही सोच के स्नान किया, यही जाप चल किया। महेश बाबा तपोवन। कीड़गंज थाना क्षेत्र के एक अस्पताल में निजी जहां नाबालिग युवती ने एक शिशु को जन्म दिया, नवजात शिशु की मौत हो गई, जहां अस्पताल में अपने रिश्तेदार को देखने पहुंचे उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य श्याम त्रिपाठी वहां पहुंचे थे, जहां उनको इसकी सूचना मिली, जिसके बाद तत्काल उन्होंने सीएमओ ऑफिस फ़ोन करके इसकी जानकारी देते हुए कार्रवाई के लिए जाँच के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज की कार्रवाई की जाए। बता दें ऐसे में श्याम जी त्रिपाठी का क्या कुछ कहना इस मामले पर, किस तरह से आरोप है कि बच्चे की हत्या की गई है, आइए दिखाते हैं आपको। हॉस्पिटल में जो है अगर हमने देखा है, उस बच्ची से भी मिले हैं, उसकी माँ ने जो है हमको बताया है कि जो है कि उसको गांठ है, अगर जो है जो उसकी रिपोर्ट और वो सब देखने के बाद जो है वहाँ के लोगों ने जो साक्षी के द्वारा बताया है, इसको लड़की इसका बच्चा हुआ था, बेबी हुई थी इसको, और वो जो है बेबी की डेथ हो गई है, वहाँ के कुछ लोग कह रहे हैं कि डेथ हुई नहीं है, उसको जो है मार दिया गया है, क्योंकि 13 साल की बच्ची थी, इसलिए जो है वो आप लोग लोकल लाश के चक्कर में उसको कर दिया। तो हम उसे वहाँ के उससे मिले हैं, हॉस्पिटल के डॉक्टर से भी मिले हैं, मैंने वहीं से सीमो को फ़ोन लगा करके बात की है और अभी मैं उनसे बात करता हूँ कि जो है कि उसको जो है हमको जो है जाँच उसकी चाहिए और अगर है तो सही है तो उसके ऊपर FIR। चाइल्ड लेबर पे क्या कहिएगा, लगातार चाइल्ड लेबर बढ़ते जा रहे हैं और नशा भी बढ़ता जा रहा है, नशा चाइल्ड लेबर पर हम लोग जो है उसका फोकस किए हुए हैं, कहीं ऐसा जो है अगर आता है तो हम उसको जो है अपने अधिकारियों से जो है श्रम विभाग से जो है बात करेंगे जो है कि उसको जो है कहीं भी ऐसा है तो उसको जो है रोका जाए, क्योंकि चाइल्ड लेबर जो है हमारा जो है हम शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी जो है लखनऊ में हमने जो है 500-600 बच्चे ऐसे हैं जिनको जो है हम जो है भिक्षा से शिक्षा की रोल ले गए हैं, उम्मीद संस्था से उनको जोड़ा है, तो प्रयागराज में भी यही जो है उम्मीद संस्था जैसी एक संस्था को ढूंढ करके ऐसे बच्चों को हम शिक्षा की ओर जोड़ेंगे और उनको शिक्षा की तरफ जो है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।